गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम ऑल ऑफ यू आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्यू सॉल्व करेंगे फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं और चेक कर पाएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ ये सारे के सारे जितने भी एम सी क्यू सारे महत्वपूर्ण हैं और इनके पूछे जाने की या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है पहला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट तो हवा में सबसे ज्यादा प्रतिशत जो मात्रा है वो किसकी रहती है ये हमें पता लगाना है हवा में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है ऑप्शन में है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन आर्गन सपना जैन गुड इवनिंग नमस्कार क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि जब तक आपका आंसर और यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है चेंज हो चुका होता है बट फिलहाल आपका जो आंसर है नाइट्रोजन ये करेक्ट आंसर है फर्स्ट का सी जो है एकदम सही आंसर है गौरव रुचि इन सब के राइट आंसर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है ताजमहल इज बींग ताजमहल पर किसका प्रभाव पड़ रहा है सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन या ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं सबसे ज्यादा ताजमहल पर किसका प्रभाव पड़ रहा है ये हमें पता लगा है तो देखें आप लोग और बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर ऑल राइट सो सेकेंड का जो राइट right आंसर यहां पर आएगा वो है एयर पॉल्यूशन इसमें वाटर पॉल्यूशन दोनों चीजें आ जाएंगी बट एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इसका रीजन है कि सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये हवा में जाते हैं और हवा में जाने के बाद ये पानी में मिल जाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के रूप में नीचे आते हैं तो इसलिए हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से एयर पॉल्यूशन लगाएंगे और अगर वाटर पॉल्यूशन देखेंगे तो बारिश के रूप में हम इसको लगाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है थ्री दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है इनमें से कौन सी है अगर ऑप्शन में हमें ये चार ऑप्शन मिलेंगे तब हमारा क्या राइट right आंसर होना चाहिए यमुना कावेरी चिनाव या गंगा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो रिवर है मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड या ऐसा कह सकते हैं इसको और सही करने के लिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में इनमें से किसका नाम आता है क्वेश्चन नंबर थ्री इसका जो राइट right आंसर है तो देखें गंगा जो है वो हो जाता है वैसे विश्व की सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड रिवर है उसका नाम है शिटरेरम शिटेरम ये कि इंडोनेशिया में प्रवाहित होती है बट वो यहां पर दिया नहीं है इसलिए थर्ड का फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा हीरेंद्र इस बार गलत आंसर हो गया है बट आपका तरीका आंसर देने का सही है आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखते हैं गुड एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग नहीं वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है सॉइल इरोजन होता है या इनमें से कोई भी नहीं वायु प्रदूषण से क्या होता है हवा अगर प्रदूषित होगी एयर पॉल्यूशन होगा तो उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वास लेने की जो प्रणाली है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो इसमें फोर्थ का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस इनमें से किसे माना जाएगा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड को इनमें से ग्रीन हाउस गैस किसे मानेंगे देखें अगर चार में से हमें किसी एक को चूज करना पड़े तो सबसे पहले यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देती है ये ग्रीन हाउस गैस हो जाती है इन चार में से जब हमारे सामने एक ही चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर फाइव का डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर मूव करेंगे द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एयर में हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है इक्कीस प्रतिशत तो सेवनटी एट ट्वेल्व एटी सेवन सबसे ज्यादा मात्रा क्वांटिटी जो है वो नाइट्रोजन की ही पाई जाती है और अप्रोक्स सेवेंटी एट परसेंट जो है वो नाइट्रोजन होती है क्वेश्चन नंबर है सिक्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन प्रदूषण का कारण इनमें से कौन सी एक्टिविटी होती है मानवीय गतिविधियां वृक्ष दोनों ननोव दीज यानी पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है तो वृक्षों की वजह से पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे पॉल्यूशन में उतनी कमी करेंगे मानवीय गतिविधियां प्रदूषण को बढ़ाती हैं तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर नंबर ए ए का A. अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर मूव करें सीएनजी सीएनजी क्या है एक पॉल्यूटेड फ्यूल है यानी कि ऐसा ईंधन है जिससे प्रदूषण फैलता है क्लीन फ्यूल है स्वच्छ ईंधन है हार्मफुल फ्यूल नुकसान पहुंचाने वाला ईंधन है इनमें से कोई भी नहीं फ्यूल का मतलब होता है जो ऊष्मा प्रदान करे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कैरी कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं इग्निशियन पॉइंट उसका ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होता है ये एक अच्छे फ्यूल की पहचान होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कहते हैं इसको हम क्लीन फ्यूल के रूप में जानेंगे क्लीन फ्यूल इसलिए मानते हैं कि यदि इसको जलाते हैं इसका दहन करते हैं तो उसके बाद इसमें फिर कुछ भी रेसिड्यूअल यानी शेष नहीं बचता है इस कारण से इसे क्लीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है सो so, ये आठवें का राइट right आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं पानी का प्रदूषण पानी में जो पॉल्यूशन होता है वो किस कारण से होता है पानी में प्रदूषण होने का रीजन क्या है ऑयल रिफाइनरीज की वजह से कागज बनाने के कारखानों की वजह से चीनी मिल शुगर मिल की वजह से पानी पॉल्यूटेड होता है ऑल ऑफ द ये सारे के सारे इसके पीछे रीजन बनते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग वीडियो लाइक शेयर जरूर करते जाएं आपकी लाइक शेयर जितने रहते हैं तो फिर आपको जल्दी जल्दी उतनी ज्यादा क्लासेस मिल जाती क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर है ये सारे के सारे जो रीजन है ये पानी के प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं क्वेश्चन नंबर है टेन क्लोरी क्लोरो सी एफ सी जिसे कहते हैं उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है क्योंकि सी एफ सी की वजह से ओजोन की जो लेयर है ओजोन की जो परत है उसे नुकसान होता है उसमें जो होल हुआ तो क्लोरोफ्लोरोबन की वजह से ही हुआ तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं या एयर कंडीशन में करते हैं परफ्यूम में किया जाता है या इन सभी में किया जाता है क्वेश्चन नंबर टेन रेफ्रिजरेटर में भी इनका प्रयोग करते हैं एयर कंडीशनर में भी इनका किया जाता है और अगर आप डिओड्रेंट परफ्यूम देखोगे तो उसमें भी करते हैं धीरे धीरे इनको रिप्लेस किया जा रहा है तो इसमें फिलहाल के लिए हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग भी अपने कॉमेंट देख पा रहे होंगे जैसे गौरव हैं, गौरव के बाद मनीष मनीषा जी हैं, इसमें रुचि इन सब के राइट आंसर दिखाई दे रहे हैं रुचि शुक्ला ने तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर किया है वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 11, पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं सेल वॉल को बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है राइबोसोम को कहते हैं न्यूक्लियस को कहते हैं पावर हाउस जो ऊर्जा का स्रोत होता है किसी भी सेल कोशिका के लिए तो सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में पाई जाती है एनिमल सेल में होती नहीं है और इसे पावर हाउस नहीं बोलते हैं राइबोसोम और न्यूक्लियस जो है ये भी पावर हाउस के रूप में नहीं जाने जाते माइट्रोकॉन्ट्रिया जो है उसे पावर हाउस कहते हैं सो so, गौरव सूत्रकार इनका राइट right आंसर दिख रहा है मनीषा का गलत आंसर दिख रहा है रुचि जी का राइट आंसर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका की रसोई या सेल किचन किसे बोलते हैं किचन से मतलब है वहां उसका भोजन तैयार होता होगा तो कोशिका वित्ती को कहते हैं न्यूक्लियस को कहते हैं या वैक्यूलर्स को बोलते हैं या प्लास्टिड को कहते हैं किचन ऑफ सेल तो ये जहाँ उसका भोजन तैयार होता हो उससे मतलब क्या हो जाता है उससे मतलब हो जाता है कि जो प्लास्टिड नाम आता है ना जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं इनकी पत्तियाँ जो हरे रंग की होती हैं क्लोरोफिल नामक एक प्लास्टिड पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं ट्वेल्व का डी मिस्टर प्रवीण कुशवाहा हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्टीन द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन सी होती है कोशिका होती है एग नाभिक या इनमें से कोई भी नहीं क्वेश्चन नंबर है थर्टीन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फंक्शनल या कार्यात्मक इकाई तो कार्यात्मक इकाई जो इसमें मानी जाती है वो होती है कोशिका को हम किसी भी एनिमल किसी भी प्लांट की फंक्शनल यूनिट के रूप में मानते हैं कई सारी सेल मिलकर के कई सारी कोशिकाएं मिलकर के टिशू बनाती हैं टिशू यानी ऊतक उनसे मिलकर के ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर के शरीर की रचना होती है क्वेश्चन नंबर है फोर्टीन क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कुछ भी लिखा मिले ये पाया जाता है पादप सेल प्लांट सेल में सिर्फ एनिमल सेल में दोनों में या इनमें से कोई भी नहीं तो क्लोरोफिल किसी मनुष्य में नहीं होगा बशर्ते कि वो, वो मनुष्य हल्क ना हो है ना ये हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है एनिमल में नहीं होता अगर एनिमल में होता तो हम सब लोग बड़े आराम से धूप में खड़े होकर के जादू की तरह अपना भोजन खुद बॉडी में तैयार कर रहे होते वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स सो राइट आंसर यहाँ पर फोर्टीन का ए अगला क्वेश्चन है 15, 14 का राइट आंसर आंसर रुचि शुक्ला करेक्ट था इसमें मनीषा पटेल राइट आंसर था 14, फिर कौन है ये प्रदुमन शर्मा जी इनका भी राइट right आंसर था फिफ्टीन नंबर कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल या सेल का नियंत्रक उसबो कैसे कहा जाता है न्यूक्लियस को सेल वॉल को साइटोप्लाज्म ऑल ऑफ द केंद्र किया कंट्रोल तो वो नाभिक होता है न्यूक्लियस होता है फिफ्टीन का राइट right आंसर है ए शर्मा जी राइट right आंसर है आपका आपने क्वेश्चन नंबर के साथ रिप्लाई किया है वेल डन वेरी गुड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है सिक्सटीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर बे जीव जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है तो उनको हम क्या नाम देंगे यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्युलर दोनों नामों से जाना जाएगा या इनमें से कोई भी नहीं तो इसका सबसे सिंपल जो आंसर होगा वो क्या होगा सिक्सटीन का जिनमें एक कोशिका पाई जाती है यानी यूनिश एक कोशीय जीव के नाम से जाने जाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर है सेवनटीन टिश्यू ऊतक तो टिश्यू क्या है ग्रुप ऑफ ऑर्गन है ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ टिश्यूज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज टिश्यू तो अभी बताया था कि कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देती हैं कई सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है right कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक जॉन मैंडल चार्ल्स डार्विन कोशिका की खोज जो है इसमें रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई रॉबर्ट ब्राउन वो हैं जिन्होंने ब्राउनियन मोशन को पता लगाया था सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स आकार बदलने में जो कोशिकाएं कैपेबल है, होती हैं सक्षम होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं मीवा सेल के नाम से जानते हैं डब्ल्यू दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं क्वेश्चन नंबर है नाइनटीन जो अपने शेप को बदल लेती है उन्हें एमीबा सेल भी बोलते हैं और डब्ल्यू बी सी भी बोलते हैं सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन का राइट right आंसर है सी मुर्गी का अंडा क्या कहलाएगा टिश्यू है एक ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है या सेल मुर्गी के अंडे को क्या बोला जाएगा तो मुर्गी का अंडा अपने आप में एक सेल के रूप में जाना जाता है कोशिका के रूप में जाना जाता है ट्वेंटी का राइट आंसर है डी वेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्लूड सेक्रेटेड जब हम कुछ खाते हैं जो हमें पसंद होता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है वास्तव में ये पानी नहीं होता है ये एक प्रकार का द्रव है तो ये जो द्रव है ये कहाँ से निकलता है किससे स्रावित होता है ने, नेसल ग्लैंड नाक की ग्रंथियों से ओवेल एपिथेलियम अंडाकार उपकला से सेलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों से टंग जिभ्या से क्या होगा इसका राइट आंसर तो मनुष्य के मुंह में पानी आता है किसी प्रिय वस्तु के खाने की चीज को देख करके तो ये सलाइबा है तो ये सेलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों से निकलता है जो कि भोजन को पचाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है ट्वेंटी वन का सी राइट right आंसर है प्रद्युमन शर्मा रुचि शुक्ला केतन तिवारी करेक्ट पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द वॉइस बॉक्स इनमें से किसे हम वॉइस बॉक्स के रूप में जानते हैं ट्रैकिया फेरिक्स एपिगोल्टिस और लरिक्स ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाचन तंत्र की दीवार के माध्यम से सबसे तेजी से अवशोषित हो जाता है फास्टेस्ट थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो ब्लैक कॉफी एक गर्म जो हमें मिले डी टेकन एज आ पॉयजन डी जो जहर के रूप में सेवन कर लिया हो किसी ने परेशान होकर के आई इस एम की वैकेंसी ना आने की वजह से या किसी अन्य कारण से रॉ एल्कोहल टेकन एज आ ड्रिंक यानी कच्ची शराब को अगर उसने पी लिया हो आइसक्रीम कौन सा इसमें सबसे जल्दी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं बस ऐसा समझ लो कि जो नुकसान तो वैसे ये डीडीटी भी पहुंचाता है लेकिन एल्कोहल बहुत जल्दी एबजॉर्ब हो जाता है ट्वेंटी थ्री का डी ये बहुत जल्दी एबजॉर्ब हो जाता है क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी फोर देखा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष उड़ान के दौरान मूत्र के माध्यम से कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा खो देते हैं ऐसा क्यों किसके कारण होता है हाइपर ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है माइक्रोग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है इनटेक ऑफ डिहाइड्रेटेड फूड टैबलेट की वजह से होता है लो टेम्परेचर इन कॉस्मोस अंतरिक्ष में कम तापमान होता है इस कारण से ऐसा होता है क्या है इसमें राइट right आंसर तो वो हो जाता है ग्रेविटी इज द राइट आंसर ट्वेंटी फोर का ऑप्शन नंबर बी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव प्याज को काटने या छीलने की वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्यों सल्फर इन द सेल सेल में सल्फर होता है कार्बन इन द सेल सेल में कार्बन पहुंच जाता है फैट इन द सेल एमिनो एसिड ये क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो सल्फर की वजह से ऐसा होता है मांसपेशी में शिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन अ मसल तो ये एक्टिन एंड मायोसिन एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन मायोसिन एंड ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ट्रोपो 26 का राइट आंसर क्या होगा 26 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्टिन एंड मायोसिन विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉट एन एंजाइम इनमें से कौन सा है? एक एंजाइम नहीं है एमाइलेश पेप्सिन, सोमाट्रोपिन ट्रिप्सिन कौन सा एक एंजाइम नहीं है एमाइलेश एंजाइम होता है पेप्सिन भी एंजाइम होता है ट्रिप्सिन भी एंजाइम होता है ये जो है ये एंजाइम नहीं है तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी इनमें से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे बॉडी के जो सिस्टम है कि कौन से उसका पार्ट है कि नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेंसटाइन तो कायकुम इसके बाद ग्रहणी जेजुनम और इलियम ट्वेंटी एट तो इसमें राइट right आंसर आएगा ए ऑल एंजाइम्स आर एंजाइम क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रोटीन होते हैं फैटी एसिड या स्टीरोड्स होते हैं ट्वेंटी नाइन सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं एमिनो एसिड क्वेश्चन नंबर थर्टी हमारे शरीर में जो कार्टिलेज होते हैं कार्ट, वो किससे बने होते हैं वो है क्या वास्तव में तो ये मॉस्कुलर टिश्यू है या एक एपिथेलियल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू है या जर्मिनल टिश्यू है क्या बोलेंगे इसको हम? थर्टी का राइट आंसर ये टिश्यू के रूप में जाने जाएंगे क्वेश्चन नंबर है थर्टी वन विच वन फॉलोइंग द्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी कौन सा मानव शरीर में जोड़े के रूप में पाया जाता है एड्रिनल लीवर फेंक्रियाज या पीनियल ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में एक पेयर के रूप में उपस्थित होती हैं तो वो आएगा एड्रीनल दो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर थर्टी वन का ए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन इन ह्यूमन विंग्स द एक्सचेंज ऑफ प्लेस मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है कौन से ऑर्गन में होता है ब्रोंकाई एल्वियोली ब्रोंकॉइल या पेल्यूरा गैसें एक्सचेंज होती हैं जिस ऑर्गन में उसका नाम है एलविओल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है थर्टी थ्री विच वन ऑफ द ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कौन सी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है उस ग्रोथ हार्मोन को हम सोमाटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं एड्रिनल फेंक्रियाज पिट्यूटरी थायराइड थर्टी थ्री का राइट आंसर जो होगा जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं यहाँ से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी फोर ऑफ द फॉलोइंग एज पिगमेंट कौन सा एक वर्णक है एल्ब्यूमिन इलास्टिन कैराटिन मेलानिन तो एल्ब्यूमिन तो अंडे में पाया जाता है ये एक पिगमेंट नहीं है इसको तो हटा सकते हैं ये भी नहीं है कैराटिन ये सब प्रोटीन के नाम मेलानिन जो है हमारी स्किन में पाया जाता है जिसकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा होगा उसका कलर डार्क होता जाता है तो ये एक पिगमेंट है नेक्स्ट मनुष्य में छोटी आंत में पेट के उद्घाटन को क्या कहा जाता है इन ह्यूमन बींग स्टमक इन टू द स्मॉल इंटेंस टाइम छोटी आंत में जो हमारे पेट का हिस्सा जुड़ता है खुलता है उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी पाइलोरस जटराग्नि के नाम से जाना जाता है मनुष्य के शरीर के किस भाग में लेंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है आइसलेट्स ऑफ लेंगर हैंस. में पेंक्रियाज में किडनी में लीवर में तो लेंगर हेंस की जो दीपिका या आइसलेट्स ऑफ लेंगर हैंस बोलते हैं ये पाई जाती है में. 36 का ऑप्शन नंबर है बी सेल और टिश्यू डेथ इन आर लिविंग बॉडीज कॉल्ड जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उतक की मृत्यु जो हो जाती है तो उसे टेक्निकली या साइंटिफिकली किस नाम से जाना जाता है न्यूट्रोफीलिया ने नेक्रोसिस या नेपोलिस तो इसमें जो साइंटिफिक वर्ड यूज में लाते हैं ऑप्शन नंबर सी नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है थर्टी एट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ डेड डोनर टू लिविंग पर्सन एक मृत व्यक्ति अपनी आंखों को जब डोनेट करता है तो उसका कौन सा हिस्सा दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करते हैं कॉर्निया रेटिना आयरिस स्केलेरा तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है वो किया जाता है कॉर्निया का थर्टी एट का राइट आंसर होना चाहिए ए इन द ह्यूमन बॉडी नेल्स आर मेड अप ऑफ मनुष्य के शरीर में नाखून किससे बने होते हैं मेलानिन कैराटिन इनेमल कार्टिलेज इनेमल तो सुना होगा हमारे बॉडी में दांतों में होता है तो इनेमल तो नहीं होना चाहिए मेलानिन जो था वो त्वचा तो स्किन पे पाया जाता है तो ये भी नहीं होना चाहिए और कार्टिलेज ये मसल से रिलेटेड था तो बचा हुआ है क्या कैराटिन इससे नाखून बने हुए होते हैं थर्टी नाइन का राइट आंसर है बी रुचि आपका थर्टी एट का करेक्ट आंसर है थर्टी एट का ए क्वेश्चन नंबर है फोर्टी एक्सरसाइज करने के दौरान पसीना आता है तो ये क्या किस बात का इंडिकेटर क्या बताता है ये एंथेलपी के समझाएगा या होमो होमियोस्टेसिस को बताएगा समस्थिति एक एनवायरनमेंट में प्रयोग में लाया जाने वाला वर्ड है या फेगोसाइटोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन ये किसको बताता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है स्वेटिंग हमारी बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने से होती है तो एक प्रकार से ये होमो होम्योस्टेसिस वाली चीजें कि जब कभी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का विरोध जो किया जाता है और उसी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं तो यहाँ पर बी से जोड़ा जाएगा ना कि ए से एंथेल्पी हीट रिलीज करना कहलाता जरूर है बट यहाँ पर हीट रिलीज नहीं हो रही है पसीने के द्वारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बी राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन प्यूस ग्रंथी या पिट्यूटरी ग्रंथी जो है हमारी बॉडी में कौन से हिस्से में पाई जाती है बेस ऑफ द हार्ट द बेस ऑफ ब्रेन गर्दन में एबडोम पेट के नीचे गर्दन में मस्तिष्क के केंद्र या दिल के मध्य में तो ये, जो पाई ये पाई जाती है पाई जाती है सेंटर ऑफ़ द ब्रेन बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाती है फोर्टी टू इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड मनुष्य के शरीर के कौन से हिस्से में सबसे छोटी हड्डी या अस्थि पाई जाती है कलाई में हथेली में नाक में या कान में मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो कि कान के पास होती है और सबसे बड़ी हड्डी जिसे था में पाया जाता है फीमर के नाम से जानते हैं विच अमो द लार्जेस्ट एंडोक्राइन या एंडोसराइन या एंडोक्राइन जैसे आप बोलना चाहें ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इनमें से सबसे बड़ी श्रावी ग्रंथि कौन सी है थाइरोग, थाइरोग, या दो प्रकार की ग्रंथियां होती है एक जिनमें डक्ट पाई जाती है एक वो जिनमें डक्ट नहीं होती है सो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फोर्टी फोर इनमें से कौन मानव शरीर की एक अंत श्रावी और वह है एक, एक ही साथ यानी साइमल्टेनियसली उसको एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो बिहेव करे ऐसी कौन सी ग्लैंड है थायरॅड पैंक्रियाज एड्रिनल या पिट्यूटरी ये क्वेश्चन पुराना है हर बार पूछ लेते हैं तो इसमें आएगा पैंक्रियाज अग्नाशय ये साइमल्टेनियसली यानी एक बार में दोनों प्रकार से बिहेव करती है टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं साथ ही साथ फेसबुक पर पेज और ग्रुप बने हुए हैं वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस के अपडेट मिलते रहते हैं कुछ पीडीएफ मिलते हैं बाकी जो प्रॉपर पीडीएफ हैं जैसे प्रिलिम्स के सारे पेपर बन के नोट्स रेडी हैं अपडेटेड नाइन यूनिट सेपरेट उन्हें आप परचेज कर सकते हैं और मेंस में पेपर वन पेपर टू एंड पेपर थ्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है नेक्स्ट टेन डेज में सारे छः पेपर के नोट्स अपडेटेड रेडी हो जाएंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे क्लासेस सुबह आपको यहाँ पर दिखाई देगी ग्यारह से बारह के बीच में जिसमें अभी हम प्रीलिम्स का यूनिट नंबर वन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो मैडम पढ़ाते हैं वो मेंस दे चुके हैं दो बार इस बार उनका रिजल्ट वेटेड है तो वो लाइव क्लास रहती है ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ में ही उसको ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है मैं क्लासेस लेता हूँ रात को साढ़े नौ बजे आज क्लास नहीं ले पाया बट कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे हैं नेशनल इनकम वाला जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे तो कल नाइन थर्टी पर रात को रहेगा बाकी की क्लासेस जो रहती हैं वो ऑफलाइन रहती हैं तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर डिटेल ये जो नंबर लिखा है इस पर मैसेज कर सकते हैं ये व्हाट्सएप का नंबर है तो इस पर आप मैसेज करेंगे इस पर कॉल वीडियो कॉल ना करें यह मेरा सभी से निवेदन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सालाइबा मनुष्य के साइबा यानी लार में कौन सा एंजाइम इनमें से पाया जाता है ट्रिप्सिन पेप्सिन टॉयलिन या रेनिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन फाउंडा एंजाइम भोजन को पचाने में भोजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग चीजें रहती हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं कार्बोहाइड्रेट रहेगा प्रोटीन रहेगा फैट भी रहेगा तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो टाइलिन पाया जाता है क्वेश्चन नंबर है फोर्टी सिक्स इनमें से कौन सा तत्व या आयन स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यक है और अधिक मात्रा में यदि उसका उपयोग कर लें तो दांत खराब हो जाते हैं आयरन क्लोराइड, फ्लोराइड पोटेशियम फोर्टी सिक्स विच वन अमोग द फॉलोइंग एलिमेंट्स और आयंस इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टी बट कॉज मोटलिंग ऑफ द इन थूम्ड इन अ हायर क्वांटिटी तो ये फ्लोराइड के साथ होता है आपके टूथपेस्ट में नमक है फ्लोराइड है ज़्यादा है तो नुकसान है बैलेंस्ड है तो ओके okay है नेक्स्ट दिए गए पोषक तत्वों में से कौन सा दूध के अंदर नहीं मिलता है कैल्शियम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी तो विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है तो ये यहां पर नहीं मिलेगा कैल्शियम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये उसमें पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर्टी एट दांत का जो क्षय यानी डिके कैविटी जो हो जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन जिंक किसका प्रयोग किया जाता है दांतों में डेके को प्रिवेंट करने के लिए तो फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं फ्लोराइड 48 एट का ए विटामिन नेसेसरी फॉर को एग्यूलेशन ऑफ ब्लड रक्त का जो थक्का जमता है तो उसके लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से क्लोटिंग हो जाती है जब कभी भी ब्लड निकलता है तो तीस सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा एक मिनट के अंदर अपने आप से वहां पर क्लोटिंग हो जाएगी अगर उसको थोड़ा दबा देंगे तो तो ये किसकी वजह से होता है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का राइट right आंसर होगा विटामिन के लास्ट आज का क्वेश्चन है फिफ्टी मनुष्य के शरीर के तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस द नर्व फाइबर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैल्शियम कोबाल्ट आयोडीन एंड सोडियम क्या होगा इसका राइट आंसर कैल्शियम कोबाल्ट आयोडीन एंड सोडियम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तो यहां आता है सोडियम अगले फिफ्टी क्वेश्चन कल के ब्रेक के बाद कल रहेगी थ्योरी की क्लास नाइन थर्टी पर अगले दिन यानी संडे संडे को यूपीएससी का एग्जाम भी है तो वे लोग जो यूपीएससी में बैठ रहे हैं उन सभी को गुड लक संडे को रहेगा इसका अगले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गुड लक